मेहदीपुर बालाजी जो राजस्थान में है, यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि बुरी आत्माओं से छुटकारा देना या प्रसाद का रहस्य, और भी बहुत सारे रहस्य हैं मेहदीपुर वाले बालाजी में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में मंदिर की पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा, इसलिए वीडियो ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मेहदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील शिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्रता वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचना भी देखने को मिलेगी। यहाँ तीन देवों का प्रधान है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह तीन देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के तीन महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्वश्री गणेश पुरी जी महाराज सर्वप्रथम सेवक, श्री किशोरी पुरी जी महाराज पूर्व सेवक और श्री नरेश पुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेश पुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार से गढ़कर नहीं बनाया, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार दरिद्र है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी रुकता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती है। मंदिर के नियम। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहदीपुर जाने से कम एक सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रसाद भी न ले और न ही किसी को कोई भी चीज़ जैसे प्रसाद भी न दें और आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर ना देखें। आने और जाने की दरखास्त लगा कर जाएं क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहदीपुर में आ तथा जा सकता है। देवताओं के पद तथा उनका भोग। बालाजी महाराज। बालाजी महाराज मेहदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव कोतवाल। भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं, इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इनके उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है, खासकर उड़द की दाल से बने दही भल्ले और मिठाइयों में उन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक हैं। ये ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं और इन्हें पके हुए चावलों और खीर का भोग लगता है।
आप मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को खाना, वापस लाना या उसे बांट नहीं सकते। आपको इस प्रसाद को वहीं फेंक कर और बिना पीछे देखे आपको उससे दूर जाना होता है। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं कि यह बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जिसके अंदर भूत प्रेत आदि आत्माएं होती हैं वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। ये था बालाजी महाराज का पूरा जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ रह गया है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पड़ी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।